सलमान खान की भारत, विक्की कौशल की फिल्म उड़ी, आर्य रणवीर की फिल्म ब्रह्मशास्त्र आदि कई बड़े स्टार की फिल्म 2019 में रिलीज होने जा रही है। लेकिन आज हम आपको ऐसे ही दो फिल्मों के बारे में बताते हैं जिनमें आपको एक्शन बहुत ही बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। और खास बात यह है कि ये दोनों फिल्में इसी साल रिलीज होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म साओ, साउथ की सुपरस्टार प्रभास, इस फिल्म का इंतजार भला किसे नहीं होगा। लगभग 2 साल से लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म के जितने भी पोस्टर या टीजर सामने आए हैं वो लोगों को बेसब्री को बढ़ाकर चले गए। अब ये मूवी 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। इसका डायरेक्शन सुजीत कर रहे हैं और एक्शन डायरेक्शन का कमान कैनी बेट्स उठा रहे हैं, जो हॉलीवुड की मिशन इम्पॉसिबल, ट्रांसफार्मर आदि जैसी फिल्मों को फिल्मा चुके हैं। इस मूवी में प्रभास के अलावा श्रद्धा कपूर, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, नील नितिन मुकेश, अरुण विजय, मंद्रा बेदी, एवलिन शर्मा, बैनेला किशोर और मुरली शर्मा आदि कलाकार आपको नजर आएंगे। दूसरी मूवी होगी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ से सजी फिल्म ऋतिक वेस टाइगर, जिसकी शूटिंग 6 देशों की 14 शहरों में होगी। इस मूवी का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जो इससे पहले बैंग बैंग जैसी एक्शन मूवी का डायरेक्शन कर चुके हैं। बानी कपूर को बतौर अभिनेत्री लिया गया है। खबरों की माने तो ये फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया जा सकता है, जो कि इनिशियल रिलीज डेट है जिसे कभी भी बदला जा सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में टाइगर के गुरु बने हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है दोनों मूवी में से किस में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।